Welcome everybody. Today's topic that is about the male copulatory organ. आज हम लोग का टॉपिक है मेल कोपुलेटरी ऑर्गन. और आप जानते हैं मेल कोपुलेटरी ऑर्गन जो है वो पेनिश होता है. आखिर पेनिश में इरेक्शन क्यों होता है, पेनिस में फ्लैसिड क्यों होता है, पेनिस जो है फ्लैसिड स्टेट में इरेक्टेड स्टेट में होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, आखिर क्या कारण है कि जब भी हम सो के उठते हैं तो हमारा पेनिस जो है इरेक्टेड स्टेट में होता है. पेनिस का इरेक्टेड स्टेट में होना, फ्लैसिड स्टेट में होना, आखिर इसके पीछे क्या कारण है, तो आइए हम लोग जानते हैं. देखिए ये जो है पेनिस है, ये बॉडी वॉल है. ये बॉडी वॉल के आउटसाइड आप पेनिस देख पा रहे हैं. इस यह पेनिस जो आप देख रहे हैं पेनिस फ्लैसिड स्टेट में है और उसके नीचे यह पेनिस जो है इरेक्टेड स्टेट में आपको समझाने के लिए दिखाया गया है. आखिर ये फ्लैसिड स्टेट में जो पेनिस है, इस फ्लैसिड स्टेट में जो पेनिस है ये जो कंट्रोल्ड होता है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है वो इस पेनिस को फ्लैसिड स्टेट में रहने के लिए, जिसमें पेनिस का फ्लैसिड स्टेट में रहना जो कंट्रोल्ड होता है वो सिंपैथेटिक सिस्टम के द्वारा होता है. और अब जानते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो इपिनेफ्रिन को सीक्रेट करता है. यानी सिंपैथेटिक सिस्टम के जो न्यूरॉन्स हैं वो इपिनेफ्रिन को सीक्रेट करता है. और इपिनेफ्रिन का लेवल अगर बढ़ जाता है तो पेनिस जो है वो फ्लैसिड स्टेट में होता है. ओके, सेकेंड बात, इरेक्टेड स्टेट. पेनिस का इरेक्टेड स्टेट में होना, जिसमें वो पारासिम्पैथेटिक सिस्टम पर निर्भर करता है. पारासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो एसिटाइल कोलिन को रिलीज करता है. ओके, यानी कि पारासिम्पैथेटिक सिस्टम के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एसिटाइल कोलिन को रिलीज करते हैं. और एसिटाइल कोलिन जो है इस पेनिस को इरेक्ट करता है. ओके, कंप्लीट पेनिस में कंप्लीटली इरेक्शन के लिए इस एसिटाइल कोलिन को कुछ हार्मोन्स और होते हैं जो सपोर्ट करते हैं. वो टेस्टोस्टेरोन और नाइट्रिक ऑक्साइड है जो कि पेनिस में कंप्लीटली इरेक्शन में सपोर्ट करते हैं. ओके, और आप जानते हैं कि पेनिस जो है थ्री इरेक्टाइल कॉलम से बना होता है. यानी पेनिस में थ्री इरेक्टाइल कॉलम्स होते हैं, जिसमें पेनिस में थ्री स्पॉन्जी टिश्यू से बना होता है. टू कॉर्पोरा कैवर्नोसा होता है और वन कॉर्पस स्पॉन्जियोसम होता है. उसी थ्री इरेक्टाइल कॉलम के अंदर एक साइनस होता है. उस साइनस में अगर ब्लड का मात्रा ज़्यादा होता है तो पेनिस में इरेक्शन होता है. अगर उस साइनस में ब्लड कम होता है तो पेनिस जो है फ्लैसिड स्टेट में होता है. ओके, दिस मीन्स अब जानते हैं कि पेनिस में ब्लड जो है वो आर्टरी के द्वारा जाता है और पेनिस से आउटसाइड ब्लड जो है वो वेन के द्वारा आता है. अगर उस पेनिस के साइनस स्पेस में, इरेक्टाइल कॉलम के साइनस में ब्लड ज़्यादा है तो पेनिस में इरेक्शन होगा. अगर उस साइनस में ब्लड कम है तो पेनिस जो है फ्लैसिड स्टेट में होगा. ओके, और जानिए और उसके किसके द्वारा वो सब कंट्रोल्ड होता है. अब जान गए उस साइनस में ब्लड किस प्रकार से इंक्रीज करेगा, किस प्रकार से डिक्रीज करेगा. वो सिंपैथेटिक सिस्टम्स और पारासिम्पैथेटिक सिस्टम्स ऑन द केमिकल लेवल इपिनेफ्रिन और एसिटाइल कोलिन पर निर्भर करता है. ओके, अगर पेनिस फ्लैसिड स्टेट में लाना है तो इपिनेफ्रिन का मात्रा ज़्यादा होना चाहिए. और अगर इरेक्टेड स्टेट में लाना है तो एसिटाइल कोलिन, टेस्टोस्टेरोन, नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होना चाहिए. जब इसका लेवल बढ़ेगा
एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ेगा तो साइनस में ब्लड का अमाउंट बढ़ेगा तो पेनिस में इरेक्शन होगा। जब साइनस में जब इपिनेफ्रिन का अमाउंट बढ़ेगा तो पेनिस के साइनस में इरेक्टाइल कॉलम के साइनस में ब्लड का अमाउंट घटेगा तो पेनिस जो है फ्लैसिड स्टेट में आ जाएगा। ओके तो आप जानते हैं कि कुछ एक टर्म्स होता है जब जब पेनिस में इपिनेफ्रिन का अमाउंट बढ़ जाता है। ओके पेनिस में इपिनेफ्रिन का अमाउंट बढ़ जाने के कारण पेनिस की इरेक्टाइल कॉलम के साइनस में ब्लड का अमाउंट जो है ज्यादा नहीं जा पाता। ओके जिसके कारण क्या होता है उस पेनिस में इरेक्शन नहीं होता है। तो आखिर इस इपिनेफ्रिन के अधिक सिक्रेशन होने के कारण ही होता है ना। तो आखिर इस इपिनेफ्रिन को सिक्रेट कौन करता है? तो हम आपको बता दें कि इपिनेफ्रिन को जो सिक्रेट करता है जिसमें इपिनेफ्रिन के लेवल को इसे इपिनेफ्रिन तो सिक्रेट करता है सिंपैथेटिक सिस्टम्स के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इपिनेफ्रिन को सिक्रेट करते हैं। लेकिन इपिनेफ्रिन के लेवल्स को बढ़ाता कौन है? इपिनेफ्रिन के लेवल बढ़ेगा तभी तो पेनिस जो है वो फ्लैसिड स्टेट में होगा, वो पेनिस में इरेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इपिनेफ्रिन का लेवल को बढ़ाने का काम करता है तंबाकू, अल्कोहलिज्म, स्ट्रेस। ओके ये कुछ है जो कि इपिनेफ्रिन हार्मोन लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं। तंबाकू हो गया, अल्कोहल हो गया, स्ट्रेस हो गया, ये सब जो है इपिनेफ्रिन को बढ़ाते हैं। और जब इपिनेफ्रिन का अमाउंट इपिनेफ्रिन का हार्मोन्स का लेवल जब बढ़ेगा तो क्या होगा? पेनिस में इरेक्शन नहीं होगा। और जब इरेक्शन नहीं होगा पेनिस में उसके लिए एक टर्म होता है जिसे हम लोग कहते हैं इम्पोटेंस। ओके दिस मीन्स फेलियर ऑफ इरेक्शन इन पेनिस इज कॉल्ड इम्पोटेंस। फेलियर ऑफ इरेक्शन इन पेनिस इज कॉल्ड इम्पोटेंस। और इसके लिए एक ड्रग होता है जो इस इम्पोटेंस को सही करता है, मेंटेन करता है, इसे फ्लैश इरेक्टेड स्टेट में लाने का काम करता है। ओके दिस मीन्स कि इपिनेफ्रिन के लेवल को कम करने का काम करता है वो है वाइग्रा। हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा दवा ड्रग बनाया है जिसका नाम वाइग्रा होता है जो इम्पोर्टेंस को सही करने में मदद करता है। और इस वाइग्रा का प्रिपरेशन जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। ओके तो आप कंप्लीटली जान गए कि आखिर किस प्रकार से क्या रीजंस है कि पेनिस जो है फ्लैसिड स्टेट में होता है, इरेक्टेड स्टेट में होता है, आखिर ये किसके द्वारा कंट्रोल्ड होता है। अगर पेनिस में इरेक्शन नहीं हो रहा है तो उसे इम्पोटेंस कहते हैं। उसका दवा जो है वो वाइग्रा होता है। वाइग्रा का प्रिपरेशन जो है नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। आखिर ये सारा इरेक्शन, पेनिस में इरेक्शन, फ्लैसिड आखिर किसके द्वारा कंट्रोल होता है वो आप जान गए अच्छी तरह से। ओके okay?